हरि ओम। आज 3 जून गुरुवार 2021। अभी अगले 5-7 मिनट तक हम आपके साथ बने रहेंगे और हम चर्चा करेंगे आज के पंचांग की बात, किस मुहूर्त में कौन से कार्य करने, कौन से कार्य नहीं करना है वर्जित है। ये भी बताएंगे कि किस दिशा में आज आपको नहीं जाना चाहिए और उसके बाद बाहु राशि की चर्चा करेंगे कि आज का दिन कैसा रहेगा आपका, यानी आज का राशिफल की चर्चा करेंगे। लेकिन तू आज जिनका जन्म दिवस है, जिनके विवाह की वर्षगांठ है, उन्हें बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, बहुत आशीर्वाद आपको। आप उत्तरोत्तर उन्नति करते जाए, हमेशा प्रसन्न चित्त रहें, आनंदित रहें। और स्मरण करा दूं अपने सारे प्रियजनों को कि यदि मेरे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि मेरे सारे वीडियोज आपको निर्बाध रूप से प्रतिदिन मिलती रहे, चाहे राशि फल हो या इसके अतिरिक्त भी और भी कोई वीडियोस जो आपको मैं प्रायः साझा करता रहता हूँ। हाँ, प्रियजनों को शेयर भी करते जाएं ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले, उसका भी आनंद ले। तो आइए चर्चा करता हूँ 3 जून गुरुवार के पंचांग की। तो विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष, नौमी तिथि, समस्त दिन सारी रात रहेगा, उसके बाद दशमी लगेगी। तो पूर्वा भाद्र नक्षत्र भी है जो रात्रि 10:09 तक रहेगा, तदुपरांत उत्तरा भाद्र नक्षत्र लग जाएगी। चंद्रमा कुंभ राशि में ही संचरण कर रहे हैं आज भी। और अब चर्चा करता हूं आज के अभिजीत मुहूर्त का, जो प्रतिदिन बताता हूं कि अभिजीत मुहूर्त जो भले ही आज नहीं है वो मुहूर्त, पर जाननी आवश्यक है, प्रतिदिन रहता है, लगभग कभी किसी किसी दिन नहीं रहता। तो आज नहीं मिल रहा है, किंतु जानना आवश्यक है अभिजीत मुहूर्त में किया गया कोई भी शुभ कार्य यात्रा प्रारंभ करना, ये चिरकाल तक आपको शुभ फल देने वाला होता है। आज नहीं है, कल फिर बताएंगे। लेकिन इसके विपरीत राहु काल की चर्चा अवश्य करूं। 1:30 से 3 बजे तक राहु काल, ये 1.5 घंटे के कालखंड के अंतर्गत किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ या यात्रा नहीं किया जाता है, वर्जित है, निषेध है। किंतु हाँ, आज यात्रा की चर्चा कर ले तो दक्षिण और अग्नि की यात्रा करना निषेध है, वर्जित है, हो सके तो टाल दे, न जाए। अति आवश्यक हो, टालना संभव नहीं लगता, रसोई में जीरा है, थोड़ा सा जीरा ग्रहण कर ले और माता रानी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए यात्रा का प्रारंभ करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। बिना विलंब के चर्चा कर लूं बारहवीं राशि की, तो सर्वप्रथम मेष राशि की चर्चा करता हूं। तो मेष राशि के जातकों को कई प्रकार के लाभ होने वाले हैं, भिन्न भिन्न कई प्रकार के लाभ होंगे, जो आप सोचे भी नहीं। आज आपका दिन फुल मस्ती में। वृष राशि की चर्चा करूं तो कर्म क्षेत्र में उन्नति होनी है आपको, जो भी कर्म क्षेत्र है, आप बिल्डर हो, पत्रकार हो, ज्योतिषी हो, व्यवसायी हैं, आपको अपने क्षेत्र में विशेष प्रकार की उन्नति होनी है। जबकि मिथुन राशि वालों को बताऊं कि भाग्योन्नति के अवसर भी खुल गए आपके, तो चलिए भाग्योन्नति भी होने वाले हैं, उसकी भी तैयारी करें, उसी अनुरूप अपने आप को ढाल के आगे की सारी योजना बना के काम करें, भाग्योन्नति का भी आनंद उठाना है। तो कर्क राशि की बात कर लूं तो बताइएगा उन्हें कि प्राण शक्ति का संचार होगा कर्क राशि के जातकों को, रिचार्ज हो जाएंगे, पूरा आनंद का विषय है, बढ़िया। आइए तो सिंह राशि की भी बात कर लूं कि दाम्पत्य जीवन में सुखद और आनंदपूर्ण आज व्यतीत होगा। आनंद है, ऐसे ही तो लक्ष्मी नारायण की तरह संबंध होने चाहिए दाम्पत्य जीवन का, उसी घर में सुख समृद्धि भी होती है। ये प्रतिदिन की चेष्टा हो तो आज तो सुखद है, आनंदपूर्ण है, ऐसे प्रतिदिन भी रहे। तो आइए कन्या राशि की बात कर लूं तो बकाया रकम की प्राप्ति होगी आपको। किसी को पैसा दे रखा था आपने, हो सकता है सहयोग ही किया था, आड़े वक्त उन्हें आप सहयोग किए, किंतु वो पैसा किसी भी कारणवश मिल नहीं रहा था, आज आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा, बकाया रकम की प्राप्ति होगी। तुला राशि वाले प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मन तो आनंदित है सुबह से, या आज मन आनंदित रहेगा, सारा दिन मस्त मस्त रहेगा, चैतन्यपूर्ण रहेगा, आनंद पूर्वक। वृश्चिक राशि की चर्चा करूं तो घरेलू सुखद वातावरण सुखद रहेगा, घर का वातावरण आनंदपूर्ण रहेगा, सुखद रहेगा,
बड़ी शांतिपूर्ण और सभी लोग आनंद के साथ रहेंगे, ऐसी प्रतिदिन होनी चाहिए। और धनु राशि की अगर बात की जाए तो क्योंकि आपके अंदर जो कर गुजरने की क्षमता है, कार्य सभी करते हैं और किसी के अंदर कभी कोई दो कदम आगे बढ़ के कभी रिस्क लेकर भी कोई कार्य कर डालते हैं, वो कर गुजरने की क्षमता आपके अंदर जो है वो उभर के आया है और ये आपको उन्नति प्रदान करने वाला है। तो उसी भाव से उस टैलेंट को आप उपयोग करें, आप देखेंगे आपके कार्य बिल्कुल संपन्न होंगे, रुके कार्य भी निकल जाएंगे सारे। मकर राशि, धन का से संबंधित बड़ा लाभ कुछ होगा, बड़ा धनागम हो सकता है या ऐसा कुछ कार्य हो जहां आपकी धन धनागम होता रहे, आय के नए स्रोत खुले या धनागम कुछ विशेष रूप से आपको होना, इस प्रकार के आपके राशि की सुई आपको इंगित करती है। कुंभ राशि की भी बात कर लो तो सभी प्रकार के लाभ और आनंद प्राप्त होने वाले हैं, कई प्रकार के, सभी प्रकार के, जिधर आप दृष्टि डाले, जिधर हाथ डाले, सारे आज सफलीभूत, सारा कुछ आनंद पूर्वक, सब कुछ सकारात्मक। अंतिम राशि मीन राशि, बड़ी दूर यात्रा, लंबी यात्रा, सुखद यात्रा और यात्रा का परिणाम भी सुखद ही होगा, ऐसा योग बनता है। आनंद करें लंबी यात्रा का, अच्छी तैयारी कर लें, कोरोना काल चल रहा है, बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, सारी सावधानी को अपने दृष्टिकोण में रखते हुए की जाए। आप भी यात्रा की तैयारी करें तो मैं भी विदा चाहूंगा आपसे, किंतु उसके पूर्व पुनः आपको स्मरण करा दूं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन भी दबा दें, शेयर तो करेंगे प्रियजनों को। इन सारी बातों को स्मरण कराते हुए कल पुनः फिर मुलाकात होगी इस नए वीडियो के साथ में, तब तक आप मुस्कुराते रहें, ऊर्जान्वित रहें। ओम तत्सत।